गाइस वेलकम टू भारती किचन। तो आज मैं आपको कुछ नया बनाने जा रही हूँ और आपको उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। ये भी बहुत ही हेल्दी चटनी है। बॉटल गार्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो चलिए बनाते हैं बॉटल गार्ड की चटनी। लेट्स सी इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टू मेकिंग दिस बॉटल गार्ड चटनी, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही चाहिए। एक कप हमें बॉटल गार्ड चाहिए, चॉपिंग नहीं, उसके ऊपर से छिलका नहीं उतारना है, छिलके समेत हमें लौकी चाहिए। एंड टू टमाटोज, टू ग्रीन चिलीज, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 2 tablespoon सनफ्लावर ऑयल, अदरवाइज अगर सनफ्लावर ऑयल नहीं है तो आप पीनट ऑयल भी डाल सकते हैं, और 1 tablespoon मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स 1 tablespoon, वाइट उड़द दाल 1 tablespoon, और 10-12 के करीब रेड चिलीज चाहिए ड्राई। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1/2 चम्मच आपको हींग चाहिए, 2 आपको कोरिएंडर लीव्स की अगर है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके, और 1 tablespoon आपको टैमरिंड पेस्ट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर दिस बॉटल गार्ड चटनी। टू बिगिन मेकिंग द बॉटल गार्ड चटनी रेसिपी, हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करना पड़ेगा। जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इसमें ग्राउंडनट ऑयल डाल रही हूँ, या आप सनफ्लावर ऑयल कोई भी डाल सकते हैं, आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, और एक पैन के अंदर इसको मीडियम हीट पे गर्म करने के लिए रखना है। सबसे पहले आप देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, मीडियम पे मैंने रखा है, और इसके अंदर अभी मैं डालने जा रही हूँ मस्टर्ड सीड्स 2 tablespoon, एंड आफ्टर दैट फेंगुरिक सीड, मेथी दाना, अगर आपको हीट थोड़ी ज्यादा लग रही है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए गैस पर से उतार भी सकते हैं। एंड नाउ वी ऐड रेड चिली, नाउ वी ऐड, सबसे पहले आप इसके अंदर थोड़ी सी उड़द की दाल डाल दीजिए जस्ट फॉर टेस्ट। इससे जो चटनी बना रहे हैं हम उसका टेस्ट बहुत ही यमी आने वाला है, और थोड़ा सा कढ़ाई को आप इस तरह से, ताकि इक्वली सारी चीज़ें जो इसमें मैंने डाली हुई हैं वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। एंड जब आपको ये दिखाई दे कि थोड़ा थोड़ा भुन गया है, आप ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा अभी दाल में थोड़े से भी टाइम लगेगा, दाल अब जैसे ही पिंक कलर की हो जाएगी तभी इसमें हमने रेड चिलीज ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची डाल रही हूँ। लास्ट इंग्रेडिएंट इज हींग, जो उसके टेस्ट को बहुत इन्हांस कर देगी, ये मैंने डाल दी है। और अभी हमने इस जो हमने ये बनाया है इसको हमने एक साइड पर रख देना है। तो अभी मैंने एक पैन में फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, क्योंकि पहले से उसमें भी ऑयल डाला हुआ। अब इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, ये भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेना है। और नाउ आई एम गोइंग टू ऐड टमाटोज, वो मैंने कट करके पहले भी रखे हुए। नाउ ऐड टर्मरिक पाउडर टेस्ट। नाउ ऐड लौकी, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखी हुई थी, वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बोलो इसको पकाना है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि लौकी जो है एकदम से आप इसे हाथ लगा के देखेंगे तो ये थोड़ी गल जाएगी, तो इसको तभी तक पकाना है। पानी डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है,